मैं उन लोगों में से थी जिसे ये अवसर मिला कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ रहूँ बहुत ही भाव विभोर करने वाला वो क्षण था वो अवसर था ले तो, तो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है कि क्या है मतलब यू नेवर नो राइट कि कोई मस्ती कर रहा है और फिर पता चले मेरे फ्रेंड्स ही मुझ में मस्ती कर रहे हैं तो मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं आप ये सही है तो बोले हाँ हाँ मैं वाई जेड हूँ यहाँ यहाँ से बोल रही हूँ वो एक लोग थे ना जो पहले चाहते थे वहाँ बिल्डिंग बने या हस्पताल बने वगैरह वगैरह मैं उसमें से कभी नहीं थी अगर मैं होती तो शायद मेरी माँ मुझे तभी घर से निकाल देती <laughs> कि अयोध्या में ही थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वो होने लगा है और जब फिर बीस को मैं गई तो तो जो भाव जो सौंदर्य अयोध्या का था जो ऊर्जा उसमें थी लोगों लोग हर जगह लोग थे चहल पहल शुरू हो गई थी सब एक दूसरे को देख रहे अरे जय जय आ शीराम, शीराम शीराम आ ये चल रहा था। लोग नाच रहे हैं वो ऊर्जा जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी अपने दैवी पैटर्न था कि सब लोग प्रतिमा है श्री राम की वो इतनी मोहक है कि आपकी आपकी दृष्टि उससे नहीं हटती अयोध्या राम के समय थी

नमस्ते अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई है भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और इस श्रृंखला में हम आपको दो ऐसे महानुभावों से मिलवा चुके हैं जो वहाँ पर उपस्थित थे और आज हमारे साथ हैं अमी गणात्रा जी जो इस महत्वपूर्ण घटना की स्वयं वहाँ साक्षी थी और तो आज हम स्वागत कर रहे हैं अमी गणात्रा जी का स्वागत है अमी जी आप वहाँ उपस्थित थीं भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समय तो अब आप आराम से बताएं आपको निमंत्रण कैसे मिला आप वहाँ कब गई और यदि आप वहाँ पहले गई थी और पुनः गई हैं तो क्या अंतर दिखा आपको जी तो धन्यवाद संजय जी आपने फिर मुझे यहाँ आने का अवसर दिया हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात कर कर आपसे मिलकर और हाँ मैं उन लोगों में से थी जिसे ये अवसर मिला कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ रहूँ बहुत ही भाव विभोर करने वाला वो क्षण था वो अवसर था तो सबसे पहले तो जैसे आप पूछ रहे हैं कि कैसे इनविटेशन आया तो आई थिंक नवंबर एंड में मुझे एक फ़ोन आया समिति से फ़ोन आया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक समिति से कि मैम हम हमने देखा है कि आप रामायण महाभारत पर काफ़ी कुछ बोलते हैं लिखते हैं तो हम आपका नाम भेजने वाले हैं प्राण प्रतिष्ठा के इनवाइटी के तौर पर तो आप जाएंगे क्या पहले तो मुझे लगा कोई प्रैंक कर रहा है कि क्या है मतलब यू नेवर नो राइट कि कोई मस्ती कर रहा है और फिर पता चले मेरे फ्रेंड्स ही मुझ में मस्ती कर रहे हैं तो मैंने कहा कि क्या कह रहे हैं आप ये सही है तो बोले हाँ हाँ मैं एक्स वाई जेड हूँ यहाँ यहाँ से बोल रही हूँ तो मैंने कहा देखिए अगर आप सच्ची कह रहे हो तो तो आपने सोचा आप मेरा नाम भेज रहे हो तो मैं कैसे ना कहूं हंड्रेड परसेंट क्या टू हंड्रेड परसेंट में जाऊंगी ही जाऊंगी तो वो बोले ठीक है पर आप इसको कंफर्म मत मानिए क्योंकि हम तो सिर्फ नाम हम प्रस्ताव देते हैं नामों का फाइनल जो है वो तो प्राण प्रतिष्ठा की जो वहां की जो टीम है समिति है वही निर्णय लेंगे तो मैंने कहा देखिए आपने ये विचार भी किया कि मैं वहां जा सकती हूँ मेरे लिए वही बहुत 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 बड़ी बात है इसलिए मेरे लिए आपने सोचा वो भी बहुत है अभी आ ही ना है वो श्री राम जी जैसा चाहे तो वो बोले ठीक है फिर उसके दो तीन सप्ताह बाद मुझे व्हाट्सएप आया प्राण प्रतिष्ठा से कि ऐसे ऐसे आपका आपको निमंत्रण भेजा जा रहा है आप कन्फर्म करिए आएंगे कि नहीं बस उसके बाद फिर हो गया फिर उसके बाद तो जो यूजुअल प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन वगैरह वो हो गया पर जब जब वो मुझे याद है कि जब वो व्हाट्सएप भी आया तब लगा कि नहीं ये सच्ची हो रहा है और संजय जी मैं बहुत छोटी थी जब ये बाबरी मस्जिद वाला बाबरी ढांचे वाला जो पूरा कार सेवा चली थी पर मुझे याद है कि घर पे इसी बारे में बात होती थी मुंबई में मैं भली बड़ी हूँ और मेरी माँ जो हैं वो डीपली इसमें इन्वॉल्व थी भले दूर से पर डीपली इन्वॉल्व थी तो तब क्या चल रहा था क्या भाव था सब जो साधारण लोग थे वो किस मनोदशा से थे वो सब देखा है और उसके बाद जो रायट्स हुए बॉम्बॉक्सपोर्ट्स हुआ वो तो सब मुंबई में हुआ ही था तो इमोशनल कनेक्ट हमेशा से था इसलिए मैं ये कहती हूँ कि वो एक लोग थे ना जो पहले चाहते थे वहाँ बिल्डिंग बने या अस्पताल बने वगैरह वगैरह मैं उसमें से कभी नहीं थी अगर मैं होती तो शायद मेरी माँ मुझे तभी घर <laughs> से निकाल देती <laughs> कि घर में भी नहीं रहना अस्पताल में जा रहो वहाँ तो मंदिर ही बनेगा ये क्लैरिटी थी तो इसलिए जब ये हुआ तो जब मैंने माँ को बताया तो उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी चलो मेरी बेटी जा जा रही है आ, उसके बाद 22 जनवरी का दिन बस समीप आ रहा था और मैं 20 को रात को वहां पहुंच गई अच्छा ये बात मेरा अयोध्या जाना उसके पहले दो बार हो वो, चुका वो, था फ्लाइट ली होगी आपने आप तो डायरेक्ट अयोध्या हाँ बट नहीं वो पहले बुक हो गई थी ना तो लखनऊ की फ्लाइट थी तो लखनऊ से फिर गई मैं पर उसके बस दो तीन हफ्ते पहले सो तीस दिसंबर को भी मैं अयोध्या में थी और उसके दो महीने पहले भी जाना हुआ था तो किसी ना किसी कारणवश वो ये था कि श्री राम रहे थे और जाना हो गया था और जब तीस दिसंबर को वहाँ थी तब वहाँ वो ऊर्जा तो थी ही वो श्री राम के होने का भाव तो था ही और मुझे याद है जब मैं सबसे पहले गई थी तभी तो श्री राम अभी अपने वो टेम्प्ररी ढांचे में थे है ना वो मंदिर तो बना नहीं था मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था तो लोग कहते हैं कि जब वो टेंट में देखते हैं तो बहुत दुख होता है पर वो जब सच्ची में आप वहां आप, आपके सामने देखते हो ना कि हम श्री राम राम राज्य की बात करते हैं हमारे राम ला और जब आप उनको वहां देखते हो तो सच्ची में ऐसे मनना बहुत व्यथित हो जाता है सच्ची में बुरा लगता है कि हमने क्या किया है हम अपने श्री राम को अभी तक इसी में रखे हैं इतने वर्षों बाद भी तो वो भाव था जब पहली बार देखा बट ये भी था कि चलो सामने वो बन रहा है मंदिर पर उसके बाद 30 दिसंबर तो यू कीप सीइंग कि अयोध्या में ही थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट वो होने लगा है और जब फिर 20 को मैं गई तो तो जो भाव जो सौंदर्य अयोध्या का था जो ऊर्जा उसमें थी लोगों लोग लो, हर जगह लोग थे हम तो भारत में तो वैसे ही उत्सव है वहाँ लोग तो होते ही होते हैं तो हर जगह लोग थे अयोध्या से जीत एक उत्सव का नाम उत्सव ही उत्सव है हमारे में तो वैसे भी और ये तो और एक कारण था उत्सव का और इतना बड़ा कारण जिसके लिए हमारी इतनी पीढ़ियों ने संघर्ष किया है इतनी पीढ़ियों ने हमने कभी इसको छोड़ा ही नहीं है ना वो संघर्ष चलता रहा तो वो वो जो वो जो वहाँ पूरा वातावरण था ना कि भजन चल रहे हैं लोग नाच रहे हैं जगह जगह पे भंडारे लगे हुए हैं क्योंकि इतने सारे लोग आए थे अच्छा वहाँ पर उन्होंने वो जो अंदर आने के लिए अम, सिर्फ जिनके पास पासिस हो ना स्पेशली क्योंकि तब वो सिक्योरिटी का भी इशू है इतने सारे महानुभाव पॉलिटिशियन सब लोग आ रहे हैं तो केवल जिनके पास पास हो वही गाड़ियाँ जाने दे रहे थे उसके पश्चात कितने सारे लोग चल चल के चल चल के आ रहे थे क्योंकि सबको ऐसे था कि बाईस को एटलीस्ट उस माटी जो है अयोध्या की अयोध्या धाम में तो हम रहे हम वहाँ मौजूद हो इस भाव से लोग जगह जगह से आए थे तो और उन सबके लिए भंडारे लगे थे सब खा रहे हैं नाच रहे हैं और भजन गा रहे हैं ऐसे नहीं कि कुछ बॉलीवुड का वहाँ पे था सब भजन में मस्त है मशगुल है फिर आ, और सजावट तो आप सबने टीवी पे सभी ने देखी ही है वो जब वहाँ जाओ तो वही वो जो ऊर्जा का जो भाव है वो तो कुछ और ही था फिर 22 जनवरी का की सुबह हुई और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रखने के लिए कुछ छावणियाँ बनी थी तो पाँच बजे से ही भजन शुरू हो गए थे और जब आप उठो ना तो मैं क्या कहूँ ऐसे था कि अरे ये क्षण आ चुका आज आ गए आज आने वाले हैं श्री राम आज आने वाले हैं और हम उस क्षण को देखने के लिए वहाँ उपस्थित होने वाले हैं तो पाँच बजे से सब उठ गए थे चहल पहल शुरू हो गई थी सब एक दूसरे को देख रहे अरे जय श्री राम श्री राम आ गए जय श्री राम श्री राम आ गए ये चल रहा था लोग नाच रहे हैं वो ऊर्जा जैसे कंट्रोल ही नहीं हो रही थी अपने अंदर भी फिर वहाँ गए तो जब हम गए और उसके पहले जब मंदिर देखा था वो कंस्ट्रक्शन में था और अब जब वो सजा सजावट जो हुई थी जिस प्रकार वो मंदिर आपकी आंखों के सामने उभरता है हे भगवान वो सीन केवल देखते बनता है वो जो पूरा माहौल वहाँ का था फूल सजे थे दिए लगे थे इतने सारे लोग थे और सबका मन एक जो भाव जो भक्ति जो आस्था थी वो आपको अनुभव आप कर पाते थे वैसा वैसा वहाँ पर था इसलिए तब मुझे ये भी लग रहा था कि क्यों लोग इसका इस मंदिर का इतना क्रिटिसिज्म कर रहे थे मतलब आप इत, उसका वैभव वो तो देखते ही बनता है उतना सुंदर वो मंदिर हुआ है ठीक है तो पहले तो गए मिल थे, थे सब एक दूसरे को गले मिल रहे थे वही जय श्री राम जय श्री राम चल रहा था और फिर वो गाने शुरू हुए वो श्री राम के भजन चल रहे थे अलग अलग आर्टिस्ट गा रहे थे और साथ साथ लोग भी झूम रहे हैं तालियां बजा रहे हैं गा रहे हैं नाच रहे हैं ये सब चल रहा था और फिर मोदी जी की एंट्री होती है और वो जब छत्र लेकर आए उस समय से लेके मेरे ख्याल से फिर जब श्रीराम की मूर्ति होती है और आरती होती है बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो उस समय अश्रुधारा नहीं बहा रहे थे सब के आंखों से अश्रु मतलब मुझे सोच के भी अभी वो लग रहा है कि वो जो क्षण था ना कि ये हो चुका हम भी ये कर पाए हम श्री राम के लिए इतना भव्य मंदिर बना पाए वो मंदिर वहीं बना है और राम आ गए हैं वो अनुभव जो था और मुझे मैं जानती हूँ भारत भर में ये था उस समय तो हम केवल थोड़े लकी थे कि वहाँ थे तो आंखों से आंसू बहे जा रहे हैं बहे जा रहे हैं और फिर भी वो सबके साथ उस समय वहाँ होना मत मैं ना कह रही हूँ मैं कह नहीं पा रही <laughs> उसका विवरण करना ही कठिन है पर चलो ये तो प्राण प्रतिष्ठा की बात थी पर वहाँ संजय जी इतने सारे लोग थे इतनी भीड़ थी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी पर मैंने ये नहीं सुना कि किसी का कुछ चोरी हो गया मैंने ये नहीं सुना कि किसी ने किसी को छेड़खानी कर दी कुछ भी नहीं सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था वहाँ पर अफकोर्स सिक्योरिटी थी पुलिस थी और उनको वो क्राउड मैनेजमेंट करना पड़ रहा था बट वो पुलिस भी इतने प्यार से सबसे बात कर रहे थे और लोग भी समझ रहे थे सब मतलब वो केस था बट केस में भी पैटर्न था और वो पैटर्न कैसा दैवी पैटर्न था कि beautiful सब लोग ब्यूटिफुल केस ब्यूटिफुल केस तो uh, आई कैन ओनली भी ग्रेटफुल मैं बस केवल कृतज्ञ हो सकती हूँ कि उस अवसर में मुझे जाने का अवसर मिला <laughs> मैं तो सुन के ही रोमांचित हो <laughs> रहा हूँ तो वही मैं ये भाव कौन सा जो था वो सबसे अधिक आ रहा था वो विफलता का भाव था या भक्ति का भाव था हर्ष का भाव था रोमांच का भाव था ये सारे ही थे पर मुझे लगता है कि मतलब पहले तो मेरे ख्याल से 22 के पहले ना ये था कि अरे हमने कर दिया ये संघर्ष सफल हुआ आ, वो तो योगी पर, जी ने अनाउंस कर दिया था ना कि मंदिर यही बना, बना, बना है पर उस समय जब मतलब 22 के दिन मुझे लगता है केवल भक्ति भक्ति और आस्था और श्रद्धा यही था क्योंकि आप सोचिए इतनी बड़ी बात हुई थी संजय जी भारत भर में कहीं पर भी हम एग्रेसिव हुए क्या हमने ऐसा दिखा दिया कि देखो अब दिखाते हैं हमारे पास शक्ति आ गई कुछ नहीं सब राम 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 कर रहे थे और एक्चुअली उससे मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है कि श्री राम जब वापस आ जाते हैं अयोध्या चौदह वर्ष बाद और राम राज्य की बात आती है तो उसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि वहाँ अयोध्या में कैसा वातावरण था वो कहते हैं रामो रामो राम इति प्रजा कथाम अभवन राम राम भूतम जगत भूतम रामे राज्य प्रशासित कि हर जगह केवल राम 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 प्रजा में केवल एक ही बात चल रही है राम 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 है तो जगत है राम से ही जगत है ऐसा वातावरण था कब रामे राज्य जब राम राज्य था जब राम राज्य, राज्य कर रहे थे वही भावता केवल राम 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 और राम केवल सब बस उस समय राम मैं ही थी अयोध्या और मेरे ख्याल से पूरा भारत भर तो आप जो इनवाइटीज थे उनको फिर दर्शन आ, आ, भाषण इत्यादि हाँ, बाद। उसके बाद, उसके बाद <laughs> पर वो में न, हो या डबल तो, एक तो हम सारे ही वीआईपी थे, हाँ, वी वी थे कि जो गण है और कुछ कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं तो वो तो ठीक है पर भगवान के सामने तो हम सब एक है और जो उत्साह साधारण भारतीय में था वही साधुगण सभी में था तो शुरुआत में तो ऐसे था कि जब उनका उनको जाना शुरू हुआ मंदिर में तो उसमें भी भीड़ लग गई अच्छा। <laughs> और लोग आके अटक ही जाते क्योंकि वो जो प्रतिमा है श्री राम की वो इतनी मोहक है कि आपकी आपकी दृष्टि उससे नहीं हटती तो जब साधुगण भी वहाँ गए तो सब वहीं रुक गए और पीछे जा रहे हैं तो मुझे मुझे लगता है वो थोड़ा सा उनको शुरुआत में दिक्कत हुई फिर सब एकदम ठीक हो गया था फिर एकदम ठीक हो गया था पर हाँ वो थोड़ा सा तब ये था कि लोग आगे से हट ही नहीं रहे हैं सब कोई श्री राम से अपनी दृष्टि नहीं हटाना चाह रहा <laughs> तो जब अत्यंत अविस्मरणीय क्षण रहा एकदम <laughs> एकदम <laughs> जैसा आपने इंगित किया कि जो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है या रामचरित मानस में जो वर्णन है वैसे अयोध्या में तो मुख्यतः रामचरित मानस चलती है <laughs> तो वो पूरा जो है वो रामानंदियों का सबसे बड़ा हाँ। जो क्षेत्र है केंद्र है वो अयोध्या ही है और उन्होंने 500 वर्ष से थोड़ा ही कम कहेंगे 500 वर्ष से थोड़ा ही कम हाँ। यानी पंद्रह और, और अब हम हैं दो हजार चौबीस तो पाँच सौ वर्ष में छः वर्ष कम चार वर्ष कम हाँ। और इतना जो है लगातार अयोध्या वासियों ने अयोध्या के रामानंदी संप्रदाय वालों ने उन्होंने कभी भी ये दीपक बुझने नहीं दिया इन्होंने जो स्ट्रगल का संघर्ष का जो ये दीपक था वो कभी एक क्षण के लिए भी बुझने नहीं दिया बिल्कुल नहीं और वो <laughs> जो उनका भाव था मेरे ख्याल से भले ही लोग शुरुआत में कह रहे थे कि अरे अस्पताल बन जाए स्कूल बन जाए और मैं जानती हाँ, ये, ये इस पे भी बात करेंगे पर, पर संजय जी उस दिन ना मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे स्वयं के कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कदाचित मोदी जी को गाली दिए बिना अपना दिन शुरू नहीं करते ठीक है और शुरुआत में सबको ऐसे ही सारे क्या ये लोग धार्मिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं रिलीजियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं पर उस दिन उस दिन वो जो मेरा एक मित्र है उसने भी जय श्री राम का स्टेटस रखा था तो वो जो भाव है ना कि श्रीराम आ गए भले ही शुरुआत में सबने क्या करा बट वो भाव उस दिन तो बदला ही बदला था हंड्रेड परसेंट अगर वो मेरा फ्रेंड बदल सकता है जय श्री राम का वो <laughs> रख सकता है तब तो राम आ गए <laughs> और ये बड़ी विचित्र बात है ना लोग कहते हैं कि साहब की वहां, ये बनाने से क्या होता है आप अस्पताल बना लीजिए और, और, और तो बना। अस्पताल जो है जो वहां पे जो मस्जिद जो किलोमीटर दूर जो अलाट हुआ है नहीं। वहाँ कोई नहीं कह रहा कि वहाँ भी अस्पताल बना दीजिए पर अब यहाँ पर भी अयोध्या में भी आप देखिए हॉस्पिटल भी बन रहा है महाविद्यालय भी बन रहा है एयरपोर्ट भी बना सभी कुछ तो बना है ना ऐसा तो नहीं है कि केवल मंदिर बना इनफैक्ट मंदिर अभी बना है तो मंदिर तो अभी भी बना पर अयोध्या जहाँ अयोध्या के लोगों से आप बात करो ना संजय जी तो वो कहते हैं कि मैम अभी मतलब वो बता रहे थे कि मैम अभी आप जो देख रहे हो ना कि थोड़ी सड़कें बड़ी हुई है साफ़ सुथरा हो गया है सरयू का घाट है वहाँ लोग आरती भी कर रहे हैं और डुबकी भी लगा रहे हैं वो बोले मैम आप एक आध दो वर्ष पहले आए होते तो आपको यहाँ नाक बंद करके जाना पड़ता ऐसी यहाँ पर हालत थी छोटी छोटी साकड़ी साकड़ी गलियाँ थी कुछ भी नहीं था लोग आते भी नहीं थे वो चाय वाला वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी इसको बहुत अच्छे से कहते हैं वो तो उस एरिया के ही है कि वो चाय वाला बैठा होगा फिर आप उसके पास जाओ तो वो बोलेगा हाँ रुको रुको मैं दूध लेके आता हूँ क्योंकि लोग ही नहीं थे आने वाले और ये एकाद वर्ष में इतना फर्क हुआ है तो ऐसा नहीं है कि धर्म और अर्थ अलग है हमारे लिए तो धर्म और अर्थ काम सब एक ही साथ जाते हैं और अभी जब मंदिर बना है तो आप देखिए जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के जो प्रोजेक्शन आ रहे हैं अयोध्या के लिए कि इट इज सेट टू अचीव इट इज सेट टू बिकम अ ग्रेट सिटी जैसी अयोध्या श्रीराम के समय थी श्रीराम के समय की जो अयोध्या की बात होती है वो जो नगर है अयोध्या का वो एक अत्यंत समृद्ध नगर है वहाँ पर हमें कहते हैं वाल्मीकि जी कि देश विदेश से जो व्यापारी हैं वो आते थे अब देश विदेश से व्यापारी क्यों आएंगे क्योंकि वहाँ आजीविका पाने का साधन था देश विदेश से कलाकार हैं संगीतकार हैं शिल्पकार हैं वो सारे वहाँ पर आते थे क्यों अफकोर्स क्योंकि लोग वहाँ पे ऐसे थे कि अफोर्ड कर पाते थे और लोग भी कैसे थे तो वो कहते हैं कि लोग जो थे कोई भी ऐसा नहीं था जो अदाता हो सभी दानवीर थे और दानवीर क्यों थे क्योंकि किसी को भी भूख का डर नहीं था किसी को भी चोरी लुटेरे का लुटेर की लूट हो जाए ऐसा डर नहीं था लोग अपने घर भी खुले रखते थे और सभी जो वहाँ के वासी थे वो सुंदर कपड़े पहनते थे आभूषणों से लत होते थे और सुंदर सुगंधित लेप शरीर पर लगाते थे कोई भी ऐसा नहीं था जो इसके बिना रहा हो मतलब सभी धर्म संयुक्त संयुक्त जीवन तो जीते थे पर धर्म संयुक्त जब जीवन जीते थे तो ऐसा नहीं है कि अर्थ नहीं था हम तो लक्ष्मी के पूजक हैं तो वहां पर भी वैसे ही था सबके पास खाने पीने रहने को प्रगति करने को आर्थिक समृद्धि का भी अवसर था और लोग थे भी वैसे हम तो लक्ष्मी के ऐसे पूजक हैं कि सबके नाम के आगे या तो श्री लगता है या श्रीमती लगता Absolutely. है या सुश्री लगता है तो श्री तो सबके नाम <laughs> के आगे लगता है जी तो ये जो वहां पर जो प्रगति हो रही है उसको यदि हम देखें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जहाँ भी हमारे बड़े मंदिर हैं सारे के सारे मंदिर जो हैं वो वहाँ पर व्यापार और उद्योग और प्रगति इन सब का केंद्र रहे हैं तो मंदिर तो उसका केंद्र बिंदु था उसके चारों तरफ सारी चीज़ें बनती थी जिसमें अस्पताल भी होता था जिसमें भी होती थी, हाँ। थी, थी पाठशाला भी होती थी और जिसमें उद्योग भी होते थे और जिसमें व्यापार भी होता था तो ये जो आजकल का ये इन्होंने जो बाइनरी बना रखी है ना आइदर दिस और दैट बीच में कुछ नहीं तो वही उनका जो लॉजिक है बाइनरी लॉजिक, यस और नो वाला वो उसी में फंसे हुए हैं कि या तो अस्पताल बनाओ या मंदिर बनाओ अरे भाई दोनों साथ साथ क्यों नहीं बन सकते और वहाँ बना है इस समय जो तो? है वो अस्पताल जो द, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज जो बना है वो उस क्षेत्र के लिए ही बना है और मैं तो वहाँ बचपन में रहा हूँ पांचवी कक्षा मैंने वही पढ़ी अयोध्या से अयोध्या बगल <laughs> में फैज़ाबाद है हेडक्वार्टर वही हुआ करता था उस समय भी हेडक्वार्टर तो आज भी वही है अभी उस टाउन का नाम नहीं बदला लेकिन मैं 20 वर्ष से कह रहा हूँ कि उसका नाम बदल के भी साकेत कर दो क्योंकि जो साकेत है गुप्तार घाट जहाँ पर जल समाधि ली थी भगवान राम ने वो फैजाबाद में ही है हाँ। वो अयोध्या में नहीं है तो उसका नाम साकेत करना चाहिए मुझे लगता है कि हम सभी को अब ये अगली जो चलार हमारी मांग होनी चाहिए वो ये है कि इस फैजाबाद का नाम बदलोगे हाँ। इसको साकेत जो नाम था उसका पुराना नाम ले आओ कौशल को, को, राज में वो उसको लेके आओ तो अयोध्या और हाँ। साकेत आपने गुप्तार घाट की बात करी संजय जी आप अब जब गुप्तार घाट जाओगे तो आप देखना वहां पर जो घाट बना है ओहो हो हो आप ऐसे चल सकते हो पूरा वन एंड एंड टू द अदर साफ सुथरा वहां पे पानी भी साफ है वहां तो सरयू जी हैं भी बड़े वहाँ जो वो मंदिर के पास जो है वो भी इतना अच्छा हो गया है कि पूछिए मत ऑफ कोर्स क्योंकि अयोध्या से भी दूर है तो और वहाँ काम है हनुमानगढ़ी भी दो है ना हाँ एक एक, एक, एक तो अंदर है अयोध्या अयोध्या में में है हाँ वहाँ हनुमानगढ़ी भी दो है एक हनुमानगढ़ी गुप्तार घाट के पास में भी है गुप्तार घाट के पास आपको पता है और एक बात है वो जो गुमनामी बाबा की समाधि भी वहां पर है गुप्तार घाट के बाजू में अच्छा <laughs> नेताजी वाली। <laughs> <निता जी> वाली, नेताजी <laughs> हाँ। जी जी तो मुझे तो याद है उस समय जब हम छोटे थे तो वो सरयू जो है घाघरा बोलते हैं लोकली उसको तो वर्षा ऋतु में आप दूसरा कोना नहीं देख सकते ओहो ये तो मेरी स्वयं की देखी हुई बात है ये देखने जाते थे कि ये कंपटीशन होता था चलो देखते हैं आज दूसरा कोना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ओहो वाह दूसरा कोना नहीं देख सकते इतना चौड़ा पार्ट है वहां पर इतनी विशाल सरयू जी है वहां तो वो, वो भी एक हमारी <laughs> स्मृतियों में है मैं लास्ट गया था 2019 में अच्छा। दो हजार उन्नीस में गया था तब तक ये राम की पेड़ी बन चुकी थी अच्छा राम की पेड़ी तब तक हाँ। वो आ चुके थे चूंकि हाँ। हमारे हाँ। योगी जी तो योगी जी ने आते ही अयोध्या पर ध्यान दिया सबसे पहले क्योंकि जैसा आप आजकल जान ही रही हैं कि और कल योगी जी ने हाँ। इनके पोल भी खोल दी पूरी जो उन्होंने भाषण दिया ने आप असेंबली में हाँ। कि इन्होंने काशी मथुरा अयोध्या तीनों को जानबूझकर इग्नोर किया निगलेक्ट किया पूरी तरह से और उसके पीछे भी कारण था कि यहाँ लोग यहाँ ना आए कि मैंने तो कॉरिडोर पहनने बनने के पहले काशी विश्वनाथ मंदिर देखा है और जब जाते थे वो गुदौलिया चौक से अंदर हाँ। उसमें तो सबसे पहले तो मस्जिद के दर्शन होते थे सबसे पहले वही दिखती थी <laughs> और उसको देखता थे ये क्या नासूर बना रखा है अब कम से कम अब कॉरिडोर में आते हैं दूसरी तरफ से लोग आते हैं इधर से भी जा सकते हैं लेकिन लोग जब आते हैं तो वो उसको उनको एक भव्यता का हाँ। एक और हाँ। होता है और अब तो वो इवन जो मस्जिद वाला जो गेट है गेट नंबर चार जहाँ पे पहले मस्जिद भी आती है पर उसके बाहर वो त्रिशूल वगैरह रखे <laughs> अब तो मतलब अंदर जाके दिखती है पहले तो बाहर से वही दिखती थी सबसे पहले मैं कह रही हूँ ना कई बार मुझे लगता है कि शायद अच्छा हुआ वो दिखी कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा और हमको लगता था अरे मतलब जो बच्चों को जो लगता है कि सेक्युलर सेक्युलर आप जब वहाँ देखते हो तब क्या आप गंगा जमनी तहजीब क्या सेक्युलरिज्म की बात करो जब आपको दिख रहे हैं पिलर्स दिख रहा है मंदिर दिख रहा है उसके ऊपर एक अलग से वो ढांचा मस्जिद जैसा बना दिया गया है आपके सामने है और ये होने के बाद भी उनको आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए थी वो होने के बाद भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है और हमारे कुछ हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं हाँ हाँ ये तो वैसी बनती थी यही वो सिंक्रेटिक कल्चर सिंक्रेटिक थी 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 कि वो मस्जिद के म, हाँ। मंदिर के ऊपर ही मस्जिद हाँ। बनकर आपको दिख के संक्रेटिक हाँ, होता है आपको हाँ। कभी मस्जिद के ऊपर मंदिर <laughs> बनी हुई नहीं, नहीं दिखेगी <laughs> कि कोई मंदिर मस्जिद के ऊपर बना हुआ हो और वैसे ही बना हाँ। हुआ हो और उसको जो लोग तारीफ करें उसकी के किसान सिंक्रेटिक कल्चर है हाँ सीताराम गोयल जी ने तो पूरी लिस्ट बना रखी है लगभग दो हजार ऐसे हैं जहाँ पर मंदिरों के ऊपर मस्जिद बनी है वो सिंक्रेटिक हो गई So, किसी ने वो ट्विटर पे मुझे मैसेज किया वन वन वे ट्रैफिक है ये इसी पे एक ऐसे ही हमारे जो डिस्टोरशन distortion, डिस्टोरियंस है वो तो अभी भी वही बात पकड़ के बैठे हैं ना कि नहीं नहीं ये तो मस्जिद नहीं थी मंदिर था म, मंदिर नहीं मस्जिद है वगैरह वगैरह तो एक लड़के ने लिखा था वो कहते हैं कि हमारे पास गजब की टेक्नोलॉजी थी कि जहाँ जहाँ मस्जिद थी उसके नीचे हमने मंदिर लगा दिए <laughs> <laughs> या जैसे जहाँ पे मज़ारे हैं उसके नीचे जा? से फ्लाईओवर हाँ। बन जाता है <laughs> देखिए ऐसे ही होता ऐसी है की वैसे अयोध्या का जो लोकल जो जनश्रुत इतिहास है वो जन जनश्रुति वाला जो इतिहास है वो अलग उसके ऊपर मुझे लगता है कि काफी शोध होने के भी आवश्यकता है जो जनश्रुद्ध इतिहास है वो बताता है कि वहाँ पर एक स्वामी जी थे शांतानंद स्वामी जी शायद उनका नाम था और उन्होंने कोई मुसलमान सूफी चेला रख लिया अच्छा उसका नाम था खजल बख्श खजल बख्श अब्बास तो खजल बख्श अब्बास तो जो था वो वैसे तो चेला बना रहा लेकिन उसके दिल में तो वही बात रही जी जैसे वो कहते हैं ना साहब आजकल जो बात होती है कि साहब की सूफी बड़े शांतिपूर्ण होते हैं तो मैं उनसे सबसे यही पूछता हूँ कि भाई ये बता दो कि वो शरीयत मानते हैं या नहीं मानते तो सब चुप हो जाते क्योंकि इसका जवाब या तो उनको मालूम नहीं होता है या या उनको शरीय का या। ही पता नहीं होता कि शरीय क्या चीज़ है उनको किसी ने कह दिया है कि भाई सूफी बड़े शांतिपूर्ण होते हैं पीसफुल होते हैं लेकिन ये नहीं पता कि भाई जो सूफिज्म है जिसको तसवुफ़ कहते हैं वो उसके नीचे नीचे ही होता है तो अब ये जो सारा का सारा जो चला ये अस्पताल वाला कार्यक्रम अब तो समाप्त हो गया है क्योंकि अस्पताल एक नहीं अनेकों बनने जा रहे हैं और ये भी सबने जो है वो बता दिया कि, कि जो जो भी मंदिर हैं बड़े बड़े वो सब अस्पताल बनवाते हैं जी तो अब लेटेस्ट जो है इन्होंने मजाक उड़ाना आरंभ किया वो तो आदरणीय रामभद्राचार्य जी अस्वस्थ हो गए तो उनको अस्पताल ले जाया गया तो कहा कि भाई वो मंदिर क्यों नहीं गए तो इस तरह के कुतरकों का तो मुझे लगता है कि उत्तर हमारे शास्त्रों में तो दिया हुआ है मूर्खों का कोई उपचार <laughs> तो है नहीं एक बड़ा सुंदर सा सोरठा है तुलसीदास जी का फूल ही फल ही न बेत जदप कि सुधा बरसही जलद अरे बादल अमृत भी बरसा दे तभी बेत में फल और फूल नहीं आते और मूर्ख हृदय न चेत चु मिल ही बिरंचिसम तो ये मूर्ख और कुतर्कियों का कोई उपचार नहीं है तो इनको तो यही कह के और छोड़ देना चाहिए मुझे ऐसा लगता है तो आपका क्या विचार है जो ये चल रहा है कुतर्क इसके ऊपर वही बात है ना कृष्ण जो कहते हैं गीता में कि बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है सात्विक राजसिक तामसिक जो तामसिक होगी वो उल्टा ही देखेंगे आप कुछ भी कर लो जो आप कह रहे हो कि उनके सामने भगवान भी आगे बोल दे तो भी वो उल्टा ही सोचेंगे तो उसका क्या हो सकता है जिसको यही बात नहीं समझ आ रही कि भाई मंदिर का एक उपयोग है अस्पताल का एक एक उपयोग है पाठशालाओं का एक उपयोग है वो उसी को वो समझ ही ना आए तो कोई क्या कर सकता है और ऐसा ऐसी कोई भी जगह हमने देखी है जहां केवल मंदिर और अस्पताल हो ही नहीं मंदिर की अपनी जगह है मंदिर का अपना स्थान है है ना तो इनसे क्या बात करो और अब तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं है ना क्योंकि वो जानते हैं कर तो कुछ नहीं सकते तो बोलने के लिए बोलते हैं बोलने की आजादी अपने देश में सभी को बोलते रहे और क्या <laughs> संदीप जी आप वो कथा बता रहे थे की वो जो जी, जी जी जो वो वहाँ की जो अयोध्या की जो जनश्रुति है जनश्रुति है वो जनश्रुति उसमें ये है कि वो खजल बख्श जो था वो भी वहाँ पर शांतानंद जी महाराज का वो शिष्य बन के रहने लगा और उसको भी सिद्धियाँ आ गई और उन सिद्धियों की क्योंकि सूफी वगैरह जो हैं ये सिद्धियों का दुरुपयोग ही करते कर, हैं जानते हैं जिस तरह से होता है तो वो छोटी मोटी सिद्धि जो आ जाती है तो वो उसकी ख्याति जो है ये आपके इस्लामियों में फैली और उसी टाइम बाबर ने यहाँ आक्रमण किया तो वो पहले जो है वो राणा सांगा से बयाना का युद्ध हार गया तो वो हार गया तो वैसे बयाना और खानवा के युद्ध में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लगभग लग महीने दो महीने के अंतर है लेकिन जनश्रुति ये कहती है कि उसके बाद उसको किसी ने सलाह दी कि भाई वहाँ जाओ आ, मौला फजल बख्श के पास तो वो दुआ करेंगे तुम्हारे लिए तो तो फिर तुम आगे जीत जाओगे तो यहाँ आया बताते हैं और फजल बख्श ने दुआ देने की शर्त रखी कि मैं मेरी शर्त यह है कि ये जो मंदिर है इसको तोड़ोगे तुम तो। जिससे सिद्धि मिली है जिन गुरु से उनको <laughs> तो ये कोई नई बात थोड़ी है हाँ। ये तो ये तो हमारे इतिहास में कई बार हुआ है हमें शत्रुबोध नहीं है ना तो हम किसी को भी हम सिद्धि दे देते हैं बिना ये जाने कि इस सिद्धि का ये अधिकारी है ये पात्र है या नहीं है कि यह मित्र है या शत्रु है अगर आपने कलमे का अर्थ नहीं समझा है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो कलमा पढ़ रहा है वो निश्चित रूप से आपसे शत्रुता ही रखेगा कलमे में ही शत्रु बोध है साफ दिखता है तो ये जो गज़ल बख्श अब्बास जो था इसको फिर बाबर फिर आगे जाके जीत गया खानवा का युद्ध वो जीता राणा सागर से और उसके बाद फिर उसने अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मीर बाकी को भेजा और तब जाके वहाँ जो सत्यनंद जी महाराज थे उनको जब पता चला तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया कि मेरे से एक ऐसी गलती हो गई लेकिन इस प्रकार की गलती हिंदुओं से बार बार, बार होती, बार होती है। आई है और आज भी हो रही है क्योंकि वे अपने शत्रु को पहचानने में गलती कर रहे हैं देखिए यदि सामने से कोई शत्रुता मानता है तो उसको आप मित्र कैसे मानेंगे और जहां तक सूफियों का सवाल है तो मैं वही प्रश्न बार बार पूछता हूं कि भाई शरीयत मानता है कि नहीं मानता और यदि शरीयत मानता है तो आपसे शत्रुता ही रखेगा आपको केवल एक ही आशीर्वाद वो दे सकता है कि या खुदा इसको हिदायत दे दे यानी कि इसको इस्लाम में कन्वर्ट कंजा हाँ। तो ये यही वहाँ पर हुआ और उसके बाद तो फिर अनेकों युद्ध हुए वहाँ कोई भी ऐसा क्षण नहीं रहा जब हिंदुओं ने वहाँ पर आत्मसमर्पण किया हो काशी में ऐसा नहीं है काशी में लंबा समय ऐसा रहा है जब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं रहा है पर उसमें भी संजय जी ये बात जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो जो व्यास तहखाना की जो भी बात कर रहे हैं ना जहाँ पर अभी पूजा करने की वापस शुरुआत हुई है वहां इतने वर्ष पूजा चल रही थी नाइन्टी इक्यावन से उसका हाँ, इतिहास है और वो नाइन्टीज में जाके बंद किया और आप सोचो बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था कि 93 तक वहाँ पर अविरत पूजा चल रही है और तब उसके बाद उसे बंद कर दिया गया और उसका कोई बड़ा सा हो हल्ला नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ हम भी कमाल के लोग हैं <laughs> खैर वो तो अब फिर फाइनली कह दिया कोर्ट ने और तुरंत पूजा शुरू कर दी वो तो ऑफ़ कोर्स वो तो अब आप जरा इसका विश्लेषण करें जो योगी जी ने जो कल भाषण दिया है और जो महाभारत से ही उन्होंने उदाहरण दिया है महाभारत से ही उदाहरण दिया है कि भाई पांच गांव मांगे थे और पांच गांव नहीं दिए तो उसका परिणाम क्या हुआ तो हम तीन मंदिर मांग रहे थे उन्होंने ये नहीं कहा कि तीन मंदिर मांग रहे हैं। कहा हम तीन मंदिर मांग रहे थे और वहाँ पर उन्होंने उसको छोड़ दिया तो हाँ। मुझे लगता है कि संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। हां नहीं तो आप ये ये जो बात है इनफैक्ट मैंने भी वो शुरुआत में जब ये एएसआई की रिपोर्ट जब वो जो उनका जो मुसलमान बोर्ड वगैरह है उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना किया तभी भी मैंने ये कहा था। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसा बर्ताव जो है वो किस प्रकार की संधि करेगा ये तो वही बात हो गई ना जो कौरव पांडवों के बीच थी तभी भी आप देखो तो परिवार की बात थी हमारा तो चलो अलग है पर वो तो परिवार की बात थी और पांडवों को पांडवों ने तेरह वर्ष अपने वनवास के पूर्ण भी किए उसके बाद ये था कि क्या करें तो संधि प्रस्ताव लेकर वो भी कौरवों के साइड से तो कोई नहीं आया इनके तरफ से ही गए कि अब क्या है हमारा खत्म हो चुका है वनवास अब इंद्रप्रस्थ पर बात करनी है तो इंद्रप्रस्थ पर बात करने की तो कोई तैयारी नहीं थी इनफैक्ट उस समय संजय को भेजते हैं धृतराष्ट्र और मतलब कई कई वो इतनी निर्लजता अगर आप देखो तो वो है कि वो संजय को भेजते हैं युधिष्ठर के पास किस मैसेज के साथ कि तुम तो समझदार हो तुम तो समझते हो कि परिवार में शांति रखनी चाहिए अपने लोगों से युद्ध नहीं करना चाहिए धृतराष्ट्र वो युधिष्ठिर को समझा रहे हैं अपने बेटे को नहीं युधिष्ठिर को कि अपने लोग परिवार में क्लेश नहीं होना चाहिए युद्ध नहीं होना चाहिए इसलिए तुम जहां पर भी हो उनको जला के मारने के षड्यंत्र में हाँ। सम्मिलित थे वही तो मतलब ये वही बात है ना जो हमें कहा जाता है कि अरे नहीं नहीं आपको भारत में शांति रखनी चाहिए सब कुछ एक ही से अपेक्षा है वही बात उसमें भी है और उस समय फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए ऐसा है न्याय की बात आप हमको क्या बता रहे हो कि शांति रखने की बात आप हमको क्या बता रहे हो हम तो दोनों के लिए तैयार है क्षमायच समरायच शांति के लिए भी तैयार है और युद्ध के लिए भी तैयार है पर कहीं तो वो कहते हैं ना यू हैव टू ड्रॉ लाइन कि कितना अन्याय आप बर्दाश्त करोगे कब तक ये चलेगा कि न्याय करने को ही आप राजी नहीं हो क्योंकि हम सब बात मान रहे हैं तो आप हमको हमको ही समझा रहे हो कि शांति रखो अच्छा इसके बाद भी क्योंकि पांडव जो हम धर्म अधर्म की बात करते हैं हीरोज और विलन्स की बात करते हैं तो इतना सब होने के बाद भी पांडव ये निर्णय लेते हैं मतलब और कृष्ण भी ये कहते हैं कि युद्ध जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए अंतिम आपका जो फाइनली जब कुछ ना हो तब आप युद्ध करो क्योंकि युद्ध में बहुत विध्वंस होता है तो उस समय बात कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है पाँच गाँव दे दे अगर इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते कोई बात नहीं पांच गांव दे दे कृष्ण आप ये उनके पास आप मैसेज लेके जाइए और उस समय वैसे तो हम भीम को मानते हैं ना कि भीम तो रैश है वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार होते हैं भीम भी ये बात कह रहे हैं भीम कहते हैं नहीं ठीक है अगर वो पाँच गाँव दे देते हैं और शांति होती है तो वो भी ठीक है मेरी भी इसमें सहमति है वो भी ये मान रहे हैं पर जब कृष्ण जाते हैं और ये जो योगी जी ने भी कहा कि कृष्ण जाते हैं कहते हैं चलो आधा नहीं पाँच गांव ही दे दो तब वो समझने के बजाय दुर्योधन ने क्या किया कृष्ण को ही पकड़ने का प्रयोजन रचा साजिश वही रची कि कृष्ण को ही पकड़ ले फिर तो भाई क्या होगा ना आपको कृष्ण अवतार देखना ही पड़ेगा और जब ये आप कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि पांच गांव की तो बात ही क्या है मैं तो इनके साथ जी ही नहीं सकता मैं तो इनके साथ जीना वही तो बात है ना इनके साथ जी ही नहीं सकते या तो आप मान जाओ हमारे बन जाओ या मुसलमान बन जाओ या तो हम जी ही नहीं सकते फिर तब क्या हो तो अगर शांति रखनी है तो दोनों साइड को रखनी पड़ती है दोनों साइड को उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ता है नहीं तो फिर महाभारत तो क्या करो तो श्या ना चाहते हुए भी पर मुझे मुझे आशा है कि कोई ना कोई तो उनके समाज में भी समझेगा वो अपना फ्यूचर अपने बच्चों का फ्यूचर अगर समझ पाए तो सबके लिए अच्छा है ऐसा व्यक्ति काफिर के निष्कासित कर दिया जाएगा आइए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं आपके अत्यंत सुमधुर अनुभव अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बहुत बहुत धन्यवाद आपको जय जय श्री राम जय श्री राम <laughs>